अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस 22 साल नौजवान के बारे में जिसका नाम समीर अहमद ठोकर है और इनके वालिद का नाम मोहम्मद शफी ठोकर है। ये MSc जूलॉजी का स्टूडेंट था जो गुजरात में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से आज सुबह इनको अपने ही रूम में फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया। लेकिन अभी तक ये सच सामने नहीं आया कि समीर अहमद ने अपने आप को फांसी दी है कि इसका कत्ल किया गया या इसको किसी और ने फांसी दी। पुलिस इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस ने इस बारे में FIR भी दर्ज किया है, लेकिन इनकी फैमिली का कहना है कि समीर अहमद ने खुदकुशी नहीं की बल्कि इसको कत्ल किया गया है। लेकिन सच्चाई सामने तब आएगी जब पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी उसके बाद सच्चाई सामने आ ही जाएगी कि समीर अहमद ठोकर साहब जो है उनको कत्ल किया गया या उन्होंने खुद से सुसाइड की है। लेकिन अभी हमको ये हकीकत सामने नहीं आई है। मेरे दोस्तों, आपको क्या राय है ऐसे हादसों के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। और समीर भाई के लिए दुआई मगफिरत करे, अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस जन्नतुल मावा अता करे और इनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। बाकी मेरे दोस्तों, आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करो ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।